फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। आज एकदम इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी चीज की यदि हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। क्यों हम लोग स्टडी करते हैं तो चीजें हम लोग को याद नहीं रहती है। तो मैं इसके लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड, किस वे में आप पढ़ाई करोगे। तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, यदि आपको SSC 10th का एग्जाम देना है, 12th का एग्जाम देना है, इवन आपको ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम देना है, तो उसके लिए पढ़ाई करने का एकदम बेस्ट ट्रिक्स आपको बता रहा हूं मैं। यदि आपके माइंड में वो सेट रहेगा, आप अपने माइंड को उस तरीके से यदि आप सेट कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा। चलो हम लोग समझते हैं कि क्यों हम लोग को जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं हम लोग को याद नहीं रहता है, और कैसे हम लोग याद रख सकते हैं हमेशा जो चीजें पढ़ते हैं। आपको याद रहेगा फ्रेंड, बहुत बार आपके फ्रेंड ने भी बोला रहेगा या आपके साथ भी अभी तक ऐसे बहुत बार हुआ रहेगा कि कल के दिन एग्जाम है और आज रात को आप स्टडी करते हो, तब जो भी चीजें आज पढ़ते हो आपको माइंड में याद रहता है। लेकिन यही चीजें यदि आप एक महीने पहले पढ़ते हो, 2 महीने पहले पढ़ते हो, तो आपको चीजें याद नहीं रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको फ्रेंड एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपके सवाल का जवाब मिल गया है कि कैसे कोई चीज को पढ़ा हुआ है आप हमेशा याद रख सकते हो, किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपको जब भी स्टडी करने जाना है फ्रेंड, तो आपके माइंड में हमेशा ये सोच के चलना है कि कल के दिन मेरा एग्जाम है। यदि आप अपने माइंड को हमेशा ऐसा ट्रेंड कर दे रहे हो कि कल के दिन एग्जाम, जब भी आप पढ़ने बैठो आपको अपने माइंड को ये डायरेक्शन देना है कि कल के दिन आपका क्या है, एग्जाम है। यदि आप ये डायरेक्शन देते हो, तो आप जो भी चीजें स्टडी करोगे, जो भी चीज आप पढ़ाई करोगे, हर एक चीज आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। सेकेंड थिंग, यदि आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो उस चैप्टर को पढ़ते समय आपको एक स्टोरी क्रिएट करना है। मीन्स आपको एक रट्टा नहीं मारना है, वो चीजों को समझ के लेना है, एक स्टोरी क्रिएट करके रखना है। यदि आप स्टोरी के थ्रू उसको चैप्टर को पढ़ रहे हो, एक स्टोरी से लिंक करके आप उसको रखते हो, तो आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो हमेशा आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगी। तो आपके लिए दो बेस्ट मैंने ट्रिक आपको बताया। एक तो आपको हमेशा अपने माइंड को ट्रेंड रखना है कि आप जब भी पढ़ने बैठने जा रहे हो, तो आपको ये अपने माइंड को डायरेक्शन देना कि कल के दिन आपका क्या है, एग्जाम है। इससे आप जो भी चीजें पढ़ोगे वो आपको हमेशा याद रहेंगे। दूसरा चीज है, आपको पढ़ते समय चैप्टर को इमेजिनेशन के तौर पे एक स्टोरी में क्या करना, फ्रेम करना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से चैप्टर हमेशा याद रहेगा और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर करना। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच।